दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वह किसी को नहीं बताना चाहता या किसी को नहीं बताना चाहती। वहीं कुछ राज तो ऐसे होते हैं जिनके भेद खुलने पर जिंदगी में तूफान आ सकता है। वहीं कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिनका भेद खुलने पर उनकी हंसी होती है, उन्हें नफरत का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उनकी इज्जत में भी कमी आ जाती है। जहां एक और कुछ राज जिंदगी से जुड़े होते हैं तो कुछ ऐसे भी राज होते हैं जो इंसान शर्म संकोच और संदेह के कारण किसी को नहीं बताना चाहता। चलो आपको बताते हैं कि आखिर लड़कियां और स्त्रियां कौन कौन से राज अपने बॉयफ्रेंड और पति को कभी नहीं बताती और क्यों नहीं बताती। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करने लगे उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। दोस्तों वैसे तो जीवन को खुशी बनाने के लिए पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, किंतु कुछ राज ऐसे भी होते हैं जब तक छुपे रहें तभी तक अच्छा है, क्योंकि उनके खुलने के बाद आपका रिश्ता टूट सकता है या टूट जाएगा। ऐसे तो पति पत्नी का रिश्ता या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता एक विश्वास की डोर से बंधा होता है, जिम्मेदारी की नींव पर खड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज होते हैं जिनको छुपाकर रखना ही हितकर होता है। दोस्तों ये बात सच है कि पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो, किंतु कुछ ऐसे भी जीवन में रहस्य होते हैं जिनके खुल जाने पर दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे कितना भी क्यों ना चाहता हो, एक पति अपनी पत्नी को क्यों ना कितना ही चाहता हो, लेकिन पत्नी या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड या पति से यह कह देती है कि हमारा उसके साथ बहुत कुछ था और यहां तक कि हमारे पैर भी भारी हो गए थे, हम दोनों ने कई बार किया भी था, हम दोनों ने प्यार की हद को पार कर दिया था। चाहे कितना ही चाहने वाला बॉयफ्रेंड या पति क्यों ना हो, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे रहस्य हैं भी जो किसी के सहन से बाहर होते हैं। ऐसे रहस्यों का छिपा रहना ही बहुत अच्छा है। यदि कोई पति या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से इतना कह देता है कि हमारा बच्चा उसके रह गया था या हमारा बच्चा एक उससे है, तो निश्चित ही पत्नी चाहे जैसे रहे किंतु कनेक्ट कभी नहीं हो पाएगी। गर्लफ्रेंड का है ही क्या साथ में, वो तो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लेगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब किसी लड़के की शादी हो जाती है और उसकी पत्नी आ जाती है तो वह 30 मार्का बनने के लिए अपने पुराने प्यार का इतिहास उसे सुनाना और गिनाना शुरू कर देता है कि मेरे पीछे कितनी पड़ी थी, मैं कितना हैंडसम हूं। बस यही से जिंदगी की बर्बादी शुरू हो जाती है। वहां पत्नी स्वीकार तो कर लेती है, सुन भी लेती है, लेकिन अंदर से कभी नहीं स्वीकार करती, हमेशा नफरत की निगाह से देखने लगती है और ना जाने कितने उसके मन में विचार आने लगते हैं, लेकिन डर के कारण नहीं पूछ पाती, किंतु कहीं ना कहीं दूरियां अवश्य बढ़ती चली जाती हैं। यही कई लड़के मजाक मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड से भी ऐसी ही बातें कह देते हैं जिन बातों का भी असर उनकी जिंदगी पर बहुत पड़ता है। गर्लफ्रेंड ऐसे में उन पर विश्वास नहीं कर पाती, भले ही उन्होंने मजाक में ये शब्द क्यों ना कहे हों, क्योंकि इससे स्त्रियों के कई एक चांस ऐसे बढ़ जाते हैं कि जब वे किसी और दूसरी ओर आकर्षित होती हैं तो यह नहीं सोचती कि मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रश्न बैठ जाता है कि आप कर सकते हो तो मैं भी तो कर सकती हूं। यार तुमने जितने भी झंडे गाड़े, जितने भी झंडे उखाड़े, ये राज अपने पास ही रखो, अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कई लोग अपनी हस्ती खेलती जिंदगी में आग खुद लगा लेते हैं। कई तो इतने महान होते हैं कि इस आग को बुझाने के लिए यही नहीं जान पाते हम क्या करें, उल्टा घी और डाल देते हैं। कई बार तो लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं भी घट जाती हैं जिन्हें वे नहीं चाहते, जैसे किसी ने ब्लैकमेल किया हो या कर रहा हो, या उनकी नादानी का फायदा उठा लिया हो, डरा धमका कर कोई काम करा लिया हो या कुछ कर लिया हो,
इस बात को कोई लड़की या स्त्री अपने पार्टनर से नहीं बताए तो ही अच्छा। यही स्थिति अगर किसी पुरुष के साथ घटी है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी को ना बताए तो ही अच्छा, क्योंकि इसे बता देने से तूफान आना निश्चित हो जाता है। कई बार तो लड़कियां और स्त्रियां अपने बॉयफ्रेंड या पति को बहुत कुछ बताना चाहती हैं, किंतु उन्हें ये पता होता है कि इसके जानने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, इसलिए अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए उन्हें दबाकर ही रखती हैं। इसी के चलते जिन्होंने उनके साथ गलत किया होता है उसके हौसले और बढ़ जाते हैं, इसे वे सहमति मान लेते हैं। जानते हैं कि अगर इसकी सहमति नहीं होती तो ये अपने घर पर शिकायत अवश्य करती, इसने शिकायत नहीं की है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए अभी भी जिंदा है, और उनका आगे के लिए भी साहस बढ़ जाता है। अब यहां पर एक समस्या आती है, बता दो तो आफत, ना बता दो तो आफत। इसलिए चाहे आपकी पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड, अपने दोनों के बीच के प्यार में कभी कमी ना आने दें, एक रूटीन बना लें, निश्चित रूप से वह काम अवश्य करें।